समाचार दोस्तों, अभी बस मेरा वर्कआउट ख़त्म हुआ है और मेरे 15-20 साल के वर्कआउट के करियर में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं 2 घंटे की जगह मुझे 4 घंटे लगे हैं और वर्कआउट करते वक्त मैं सिर्फ हनुमान चालीसा सुन रहा था। आज महाराष्ट्र दिन है, बहुत बड़ा दिन है, मगर मुझे उम्मीद है कि हमारी करंट सिचुएशन को देखते हुए किसी के भी अंदर वो सेलिब्रेशन, वो हर्ष उल्लास, वो विशेस करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे होंगे, आई एम श्योर। और फिर भी मराठी दिन, महाराष्ट्र दिन की आप सबको हाथ जोड़ के हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत समय हो गया था हमें लाइफ पे मिले हुए और हमेशा हम हमारे जो बड़े लोग हैं उनकी मन की बात सुनते हैं। आज मेरा मन था कि मैं अपनी मन की बात बोलूँ आप सब लोगों के साथ। कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं मेरे मन में जो मुझे आपसे कहने थे। पहला पॉइंट ये कि इस सिचुएशन को देखते हुए लोग कैसे कह सकते हैं कि बाहर कुछ भी नहीं चल रहा है। एक मिनट, एक सेकंड ऐसा नहीं जाता जब किसी के इस दुनिया छोड़ने की न्यूज़ या फिर किसी परिवार वाले के अपने को खोने की खबर या फिर कोरोना से संबंधित सारी दुर्घटनाएं, हर वक्त वो न्यूज़ सामने रहती है। फिर कैसे कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं चल रहा है। बाहर सिचुएशन बहुत सीरियस है और मगर कुछ बेवकूफ़ लोगों को मैंने अभी भी देखा है रोड पे, जहाँ हम डबल मास्क करके निकल रहे हैं अपने ज़रूरी काम को पूरा करने के लिए, वहाँ पे वो बिंदास बिना मास्क के घूम रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों से पूछो जो अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं यार, सॉरी, उन घर वालों से पूछो जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है। दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ घर के बाहर हर वक्त अजान की आवाज़ आती है या फिर लोग अपने घर में पूजा कर रहे होते हैं, घंटियों की आवाज़ आती है, वहाँ एम्बुलेंस की आवाज़ हर कुछ मिनट में, हर कुछ घंटों में आ रही है। हम कितना डर वाला माहौल होगा बाहर, या फिर जो लोग प्रैक्टिकली लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर हों या फिर डॉक्टर्स हों या फिर हेल्पर्स हों या फिर ऑफिसर्स हों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, नर्सेज हों, क्लीनर्स हों, या जो भी इस पूरी मुहिम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों पे क्या बीत रही होगी। इट्स वेरी सैड। और तीसरा पॉइंट ये कि प्लीज़ हीरो मत बनिए, जान है तो जहान है। ये मैंने बहुत कुछ अच्छा सुना था कि ये लड़ाई हाथ पैरों की नहीं है, ये लड़ाई पेशेंस की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सब्र के साथ काम लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये समय माफ़ी मांगने का और माफ़ कर देने का है। तो मैंने अगर गलती से जानबूझ के अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को माफ़ गलती की हो, कभी किसी को नाराज़ किया हो, तो मुझे माफ़ कर देना। और बस एक रिक्वेस्ट है कि ये हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है। बस जो भी सेफ्टी मेजर्स हमें भूले गए हैं उनको हमें, चाहे कितनी भी आपको तकलीफ़ हो रही हो, मगर उस सेफ्टी मेजर्स को हमें फॉलो करना है। और एक समय आएगा, मैं सच्चे दिल से उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, वो समय आएगा जब हम हर दिन को सेलिब्रेट करेंगे। और ये जो कठिन समय है हमारी ज़िंदगी से वो चला जाएगा, क्योंकि मेरे भी कुछ अपने लोगों को मैंने खोया है। मेरे एक स्कूल फ्रेंड थे बुरहान, और हमारा जो मराठी फिल्म मैंने अब तक करी है उनके एडिटर थे प्रमोद, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मैंने खोया है। तो मैं टूटा नहीं हूँ, मगर मैं कहीं ना कहीं बिखरने से अपने आप को रोके बैठा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो रोग आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में लाएं। और इतना कठोर समय है यार कि मेरे बहुत दिल के कुछ अजीज़ दोस्त हैं जिनके
घर में उनके माता जी का देहांत हुआ है, मगर मैं उनसे भी मिलने नहीं जा पाया। और उन लोगों पे क्या बीत रही होगी, मैं हाथ जोड़ के भगवान से दुआ करता हूँ, जहाँ भी हैं जैसे भी हैं उनकी आत्मा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जितना अपनी हैसियत से हो सकता है, जितना हमें अपने हमारी चीज़ें अलाउ कर सकती हैं, उतना हमें आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। और मदद कर रहे हैं, कोई कोई बुराई नहीं है और कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। अगर आप मदद फाइनेंशियली और इमोशनली कर पा रहे हैं तो मेंटली करिए, अपने एक दूसरे का साथ रखिए। और कुछ चीज़ें मुझे बहुत बहुत अजीब लगी थी सुनने में, वो ये कि कुछ जगह मैंने पढ़ा था कि एक्टर्स को जो है उनको बहुत क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है कुछ चीज़ों के लिए, मगर आप एक चीज़ क्यों नहीं ध्यान रख रहे हैं कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए वो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के बाहर शूट कर रहे हैं, और कितने एक्टर्स हैं जो इस कोरोना की चपेट में आ भी गए हैं। तो कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए करिए। और बहुत मेहनत करते हैं लोग, मजाक नहीं है, 12 घंटे उस यूनिट के साथ काम करना और सीन्स करने, ये नहीं पता कि कब किस समय उस कोरोना की चपेट में आ जाएंगे, फिर भी तहे दिल से काम करना। और थोड़ा बहुत अगर वो सोशली कुछ चीज़ों को कर रहे हैं तो वो आपको एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं। चार दीवारी में जो इंसान बंद है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा है, उसके लाइफ में एंटरटेनमेंट देने के लिए ये सब हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, अगर उनको नज़रअंदाज किया जा सकता है इस टाइम पर तो बहुत सही है, मगर जहाँ प्रोडक्शन हाउसेस, जहाँ चैनल्स, जहाँ एक्टर्स, जहाँ हमारी पूरी यूनिट, DOP, डायरेक्टर्स, लाइटमैन, कैमरामैन, एक्शन, सब चीज़, सब लोग उसको पूरे दिल से, पूरी मेहनत से शूट कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कीजिए तो उनको भी हिम्मत मिलेगी। और बस हारना नहीं है यार, कुछ भी हो जाए हारना नहीं है, मैं यहीं हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, और मैं पूरे दिल से कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन रखूँ। और हिम्मत रखिए, एक समय ऐसा भी आएगा जब ये समय टल जाएगा, और उस समय को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हमें इस समय एकजुट होने की ज़रूरत है। तो एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। और आई नो कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन करती हैं, कुछ चीज़ें आप कमज़ोर बनाती हैं, कुछ दिल दहला देती हैं, और ये सब चीज़ें आप बीती होती हैं। जिस परिवार पे, जिस इंसान, जिस लोगों के साथ वो चीज़ बीत रही है, वो ही इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, मगर हम लोग उनकी हिम्मत बन सकते हैं। और मेरी सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जहाँ भी, जिस भी तरीके की लोगों को कमी हो रही है, उसको पूर्ति कीजिए। और बस हिम्मत नहीं हारनी है, जान है तो जान है, प्लीज़ मास्क पहनिए, डबल मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और सैनिटाइज करते रहिए, हैंड वॉश करते रहिए। अगर ज़रूरी काम है तभी बाहर निकलिए, वरना घर से सुरक्षित जगह इस समय आप सबके लिए कुछ भी नहीं है। और जितना हो सके अपने आप को बस मजबूत करते रहिए, हिम्मत देते रहिए। यानी महाराष्ट्र दिन है तो मैं एक अपने शिवाजी महाराज की घोषणा करना चाहूंगा, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, महापराक्रमी रण धुरंदर, क्षत्रिय कुलवंतास, सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज महाराज, श्रीमंत 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 श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय, राजमाता जिजाऊ की जय, भारत माता की जय, गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज हिम्मत नहीं हारिए, और एक दूसरे की मेहनत बनना है, और एक दूसरे का साथ बनना है। और मैं लोगों के कुछ मैसेजेस देख सकता हूँ यहाँ पे, जी हाँ, और मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, और मैं तहे दिल से और अपनी कहते हैं ना कि अपने
अपनी सांस के अपनी आत्मा के आखिरी क्षण से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मेरे हर काम के लिए प्रोत्साहन दिया है और मुझे हिम्मत दी है और मुझे अपनाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वक्त सही होने के साथ साथ दोबारा आप लोगों के साथ किसी नए कार्य को लेकर जुड़ूंगा। और बस अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए। और एक चीज़ है, व्यायाम ऐसी चीज़ है जिसको नहीं मिस करना है हमें, चाहे वो आप वॉक करें या फिर कोई भी एक्टिविटी करें या वेट ट्रेनिंग करें या फ्री हैंड एक्टिविटी करें या जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है करनी वो करें। और अगर किसी मजबूरी से किसी वजह से आप वो वर्कआउट सेशन नहीं कर पाते हैं तो वॉक करिए और घर में करिए, अपनी स्टेयर्स पे करिए, जो सुरक्षित जगह आपको लगती है वहाँ करिए। मगर हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है व्यायाम। और अच्छा खाइए, घर का खाइए और बस अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं इस समय। हम अपने आप पे समय दे सकते हैं, अपने बहुत सारी चीज़ों को जागरूक कर सकते हैं और हार नहीं माननी है। कुछ भी हो जाए दोस्तों, हार नहीं माननी है, बस डटे रहना है कुछ भी हो जाए। अपने माता पिता का ध्यान रखिए और अगर मुझसे कोई भूल चुक हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मगर इस समय एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है, एक दूसरे के प्यार की ज़रूरत है, एक दूसरे की दुआओं की ज़रूरत है और ये कठिन समय जाएगा, विश्वास कीजिए ज़रूर जाएगा। तो मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ।